हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मूंग के पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने पीली मूंग लेकर रखी है। आप चाहें तो इसकी जगह पर छिलके वाली हरी मूंग का भी यूज़ कर सकते हैं। दाल को मैंने 3 से 4 घंटे भिगोने रख दिया था और ये अच्छे से भीग गई थी। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश करके पानी निकलने के लिए रख दिया था। जब इसका पानी अच्छे से निकल जाए तो इसको हम पीस लेंगे। पीसते टाइम पर मैंने इसमें 3 हरी मिर्ची ऐड की है, हरा लहसुन ऐड किया है, आप चाहे तो सूखा लहसुन भी डाल सकते हैं। उसकी जगह फिर मैंने एक अदरक का टुकड़ा यूज़ किया है। आप चाहे तो इन सब का सेपरेटली पेस्ट बना के फिर मिला सकते हैं। मैं साथ में ही पीस रही हूँ, पिस जाता है अच्छे से। उसके बाद इसको पीस लेंगे अच्छे से। दरदरा पीसना है, एकदम से बारीक नहीं पीसना है इसको। फिर एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। सारी दाल को इसी तरह से पीस लेंगे। मैंने सारी दाल पीस ली है। अब मैंने इसमें 1/2 चम्मच हींग ऐड किया है, नमक स्वाद के अनुसार। फिर मैंने इसमें जो ट्विस्ट लिया है उसे मैंने यह हरे मटर क्रश करके इसमें डाले हैं। अब अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें पालक ऐड किया है। नॉर्मली बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं, और इससे इसका मटर और पालक डालने से इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा बनता है और क्रिस्पी बनते हैं पकौड़े। फिर मैंने इसमें 1/2 चम्मच जैसा हल्दी ऐड किया है, धनिया पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो इस टाइम पे लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं नहीं ऐड कर रही, मैंने ग्रीन चिली पीस के रखी हुई हैं। इस तरह से इनको अच्छे से मिला के अच्छा पेस्ट बना देंगे। फिर इनको तल लेंगे। पकौड़ों का शेप चाहे जैसे गोल बनाएं या रफली जैसे भी आपने डालना है उनको डाल दीजिए। ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। बच्चे तो इन पकौड़ों को बहुत ही टेस्ट के साथ खाते हैं। वैसे नॉर्मली बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो वो अच्छे से खा लेते हैं। देखिए पकौड़ों का कलर कितना अच्छा आ रहा है पालक की वजह से और मटर की वजह से। इनमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर ट्राई कर कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से अपने सारे पकौड़ों को तल लेंगे। पकौड़े तलते समय गैस का आँच मीडियम रखना है, ना ज़्यादा तेज रखना ना ज़्यादा कम रखना है। इस तरह से हम अपने सारे पकौड़े तल लेंगे। देखिए कितने अच्छे और हेल्दी एंड टेस्टी पकौड़े बने हुए हैं। फिर इनको हम सर्व कर लेंगे चटनी के साथ या चाय के साथ। लीजिए गरम गरम पकौड़ों का आनंद लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।